गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल पर हुई अनुशासनहीनता की कार्यवाही पर कहा, भले मानक को अमानक बनाकर छोड़ दिया, इससे लग रहा है कांग्रेस में गॉडसे बड़े हो रहे हैं। वहीं उन्होंने दिग्विजय के कुंभ को लेकर किए हुए ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा, बहुत ट्वीट किए लेकिन बटाला हाउस पर सन्नाटा है। गृहमंत्री ने ममता बनर्जी और कांग्रेस पर भी साधा निशाना। आज उन्होंने बहुत सारे ट्वीट किए पर बटाला हाउस पे मौन है, सन्नाटा है। लगातार झूठ बोलना और झूठ साबित हो जाने पर मौन हो जाना, ये दिग्विजय सिंह जी की विशेषता है। अनेक झूठ साबित हुए उन्होंने, जैसे हिंदू धर्म पर जो भी हमारी आस्थाओं के केंद्र हैं उन पर जरूर ट्वीट आता है। कुंभ पे आ गया, राम जन्मभूमि पे आ गया, राम जन्मभूमि की तारीख पे आ गया, और किसी धर्म के प्रति कभी ट्वीट नहीं आता। हमारी आस्थाओं पर ही प्रहार वो क्यों करते हैं, ये हम सब के सोच का विषय होना चाहिए, करुणा चिंता का विषय है। आज इंदौर में 262, भोपाल में 201, हमारे महाराष्ट्र से सटे जिलों में कोरोना बैक आ रहा है। सभी जिला कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं, गृह विभाग ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। जो एहतियात हैं, जो प्रकोशन हैं, जो सावधानियां हैं, सारी रखें और वैक्सीन लगाने का अभियान को भी गति दी जा रही है। जानकारी दी है या नहीं दी मेरे पूरी तरह से संज्ञान में नहीं है, पर अगर छुपाई है तो इतने वरिष्ठ 10 साल तक मुख्यमंत्री रहीं, सांसद रहीं, विधायक रहीं, जो जानकारी छुपाना नहीं चाहिए, गलत है। एक भले मानक को अमानक बना के छोड़ा है, उससे तो लग रहा है कि कांग्रेस में गौड़ से बड़े होते जा रहे हैं। अच्छा, कार्रवाई भी समर्थ पे नहीं हो रही है। विषय यही माननीय अरुण यादव जी ने उठाया था, पर मानक को अमानक तो बनाया उनने, बाकी को छोड़ दिया, जो इस बात का द्योतक है कि अब कांग्रेस में सख्ती से गौड़ से घुटी पिलाई जा रही है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।